श्योपुर जिले के बीजापुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चलने का मामला प्रकाश में आया है। फरियादी जंडिल कुशवा पुत्र गणेश कुशवा उम्र 30 साल निवासी सिरथैया पुराने अपने भाई सियाराम सुरक्षा गीता सोमवती अरविंद के साथ बीजापुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हमारा व हमारे गाँव के श्रीपति मनोज रंजीत से पुरानी रंजिश चल रही है। इसको लेकर 9 अक्टूबर को करीबन 7:30 बजे फरियादी अपने खेत पर से आ रहा था। जैसे ही श्रीपति के मकान के सामने आया तो श्रीपति लाठी लेकर मनोज कुल्हाड़ी लेकर रंजीत लाठी लेकर मिल गए और रास्ता रोककर मुझसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर कहने लगे कि सुबह हमारे मकान के सामने से नहीं निकलेगा। तब फरियादी ने कहा गालियाँ क्यों देती हो, ये तो सरकारी रास्ता है। तो रंजीत ने लाठी मारी जिससे पैरों में चोट आ गई। जिसका चिल्लाया तो उसे बचाने के लिए भाई सियाराम बहन सुरक्षा गीता व लड़की सोमवती और लड़का अरविंद बचाने आए तो मनोज ने सियाराम के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। जैसे खून निकल आया रंजीत ने लाठी मारी जो सियाराम के बाएं हाथ की कोनी में लगी। इसके बाद मनोज ने फिर कुल्हाड़ी मारी जो अरविंद ने जिससे अरविंद घायल हो गया। तब तक सपना ने सरिया से सोमवती और लाठी से रंजीत ने वार कर दिया जिससे सोमवती गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर श्रीपति ने लाठी मारी जो बहन को लगी वह भी घायल हो गई। घायलों का परिजनों की मदद से घायलों को विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। विजयपुर पुलिस फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर रही है। तो रास्ते से मैं घर पर जा रहा था तो मेरे को निकलने दे रहे थे। कौन लोग थे? श्रीपद रंजीत मनोज सुशीला और सपना उसकी बहू थी। क्या बोल रहे थे? नौकरी आंगूर निकलेगा तो मारेंगे सपा जान से। मैं सुप्रिया बरात हूँ, मेरा नाम सियाराम है। आम रास्ता पर मेरा भाई खड़ा हम बचाने के दौरे तब इन्हें मारपीट मारी जोर से करी है। जो संबंध में अपने थाने में कोई आवेदन वगैरह शिकायत वगैरह की है? पहले करी साहब, अब द्वारा किया है। कौन लोग थे उन्होंने मारपीट की आपकी? उनको सगल लोग खाए, एक तो रंजीत श्रीपत मनोज सुशीला बहू भाई साहब आई थी जिस पर पुलिस को भेजा गया था, जिसमें एक पक्ष जो ज़्यादा घायल था वो थाने पर आ गया था। दूसरा पक्ष अभी आया है तो उसकी भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दोनों लोगों को तुरंतात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जिससे आगे झगड़ा ना हो।